नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। म्यांमार की एक सोने की चट्टान ने इन दिनों वैज्ञानिकों को आश्चर्य में डाल दिया है और वैज्ञानिक ये जानने के लिए अपना माथा पीट रहे हैं कि आखिर ये गोल्डन रॉक एक पहाड़ी के ऊपर कैसे टिकी है। गोल्डन रॉक की ऊंचाई करीब 25 फीट है और इसे देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। चारों तरफ की प्राकृतिक सुंदरता लोगों को अद्भुत सुकून देती है यहाँ, लेकिन 25 फीट की इस चट्टान का बैलेंस लोगों को आश्चर्यचकित कर देता है। 25 फीट ऊंचा ये चट्टान पूरी तरह से एक ढलान पर स्थित है और काफी रहस्यमय तरीके से ये संतुलित है। ये चट्टान अपने आधार से जुड़ा हुआ नहीं है, लिहाजा ये चट्टान विज्ञान के लिए भी एक रहस्यमय आश्चर्य बना हुआ है। म्यांमार का मोन राज्य, जो प्राकृतिक सुंदरता और बुद्ध मंदिर के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, यहाँ पर क्या क्योक्तियो शिवालय स्थित है। इसे गोल्डन रॉक के नाम से भी जाना जाता है। यह क्योक्तियो पहाड़ी कैलाशा पहाड़ियों या फिर पूर्वी योमा पहाड़ों के रूप में भी जाना जाता है और पूर्वी योमा पहाड़ों के पाउंग लॉन्ग रीज पर है। विज्ञान के लिए चट्टान का यह संतुलन रहस्यमय जरूर है, लेकिन भक्तों के लिए ये भगवान बुद्ध का चमत्कार है और भक्तों का मानना है कि परमात्मा की कृपा से ही ये चट्टान पहाड़ के धरातल से टिका हुआ है और लुढ़क नहीं रहा है। हालांकि म्यांमार के कई इंजीनियरों ने इस चट्टान को लेकर पौराणिक धारणाओं को मानने से इनकार कर दिया है, लेकिन इंजीनियरों ने अभी तक इस रहस्य का खुलासा नहीं किया है। वहीं स्मिथसोनियन चैनल के एक डॉक्यूमेंट्री वंडर ऑफ वर्मा श्राइन्स ऑफ गोल्ड के दौरान इसकी कहानी और इतिहास की खोज की गई। इस डॉक्यूमेंट्री में इसके पीछे किसी अद्भुत शक्ति की बात कही गई है और कहा गया है कि ये चट्टान जिस तरह से टिकी हुई है वो गुरुत्वाकर्षण के नियमों की अवहेलना करती है। इस चट्टान को लेकर इस क्षेत्र में 1000 साल पुरानी कहानी का हवाला भी दिया जाता है और कहा जाता है कि अपर सोम नामक क्षेत्र में एक राज्य के साथ इस चट्टान की कहानी शुरू हुई थी। कहानी के मुताबिक एक दिन राजा का सामना एक बौद्ध साधु से हुआ था, जिन्होंने अपनी टोपी के अंदर बालों का एक कतरा रखा था। साधु ने खुद का परिचय बुद्ध के तौर पर दिया था और उन्होंने अपने बालों का गुच्छा राजा को उपहार में दिया था। बदले में साधु ने जोर देकर कहा था कि बालों को उनके सिर के आकार की चट्टान पर बने शिवालय में रखा दो। ऐसा कहा जाता है कि राजा के पास अलौकिक शक्तियां उनके पिता से उन्हें मिली थी और उनकी मां सांपों की राजकुमारी थी और राजा ने भगवान बुद्ध के आशीर्वाद से इस चट्टान को लुढ़कती पहाड़ी पर रख दिया था और तब से ये चट्टान पहाड़ पर बालों की शक्ति की वजह से टिकी हुई है। शिवालय माउंट के अख्तियों के शीर्ष पर स्थित ये चट्टान आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है और भक्त यहाँ पर भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए दूर दूर से पहुंचते हैं। इसे तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल भी माना जाता है। इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।